नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग मेट्रोलॉजी में एक नया इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका नाम है माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर। हाँ जी, क्लिनोमीटर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी, पिछला लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि क्लिनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें डिस्कशन किया था कि दो प्रकार के क्लिनोमीटर होते हैं। पहला आता है आपका वर्नियर क्लिनोमीटर और सेकंड आता है माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर के बारे में, जो कि आपका सिक्स सेमेस्टर पॉलिटेक्निक में सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी, उसके अंतर्गत आता है। एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, विद फिगर डिफाइन करना होता है और आपके कंपटीशन में भी पूछते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। यदि आप इनको सही से पढ़ते जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आप कोई भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप IES की तैयारी कर रहे हों, चाहे AE की तैयारी कर रहे हों, चाहे जे की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल मददगार साबित होगा। क्योंकि कहते हैं कि छोटे छोटे बूंदों से ही घड़ा भरता है। यदि आप छोटे छोटे ये लेक्चर अटेंड करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास काफ़ी अच्छा कंटेंट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि कमेंट करने पर ये होता है कि आप चाहते क्या हैं, मतलब किस वे में आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी, टोटल हिंदी होनी चाहिए या टोटल इंग्लिश होनी चाहिए या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे क्लिनोमीटर। इसके पहले बात की थी वर्नियर क्लिनोमीटर के बारे में, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर क्लिनोमीटर से भी काफ़ी अधिक सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब कि जो छोटे से छोटे एंगल को मेजर कर सकता है। तो इसे कहते हैं कि यह क्लिनोमीटर एक सुग्राही स्पिरिट लेवल वाला होता है। स्पिरिट लेवल वाला ये है कि यहाँ पर ये रॉड है, इस रॉड के बीच में ये फिट है। क्या है? स्पिरिट लेवल। किस प्रकार का स्पिरिट लेवल है? इस प्रकार का, ये जो है ये स्पिरिट लेवल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कम विस्कोसिटी वाला, मिनिमम विस्कोसिटी वाला एक लिक्विड भरा होता है। और इसका क्या है कि जब ये बबल बीच में रहता है तो इसके ये माना जाता है कि ये प्लेन जगह पर है, मतलब ये इसकी जो सतह है वो एक जैसी है, प्लेन है, समतल है, ठीक है। तो ऐसे यहां पर स्पिरिट लेवल लगा दिया जाता है। लेवल का एक सिरा किनारे पर, जो स्पिरिट लेवल का एक सिरा है यहां पर हिंज्ड होता है। हिंज्ड का मतलब कब्जा लगा होता है। जैसा नहीं हम लोग कब्जे को एक तरफ ही खोल सकते हैं, या फिर हाथ समझ लीजिए, ये हाथ का ज्वाइंट क्या होता है, ये कब्जेदार कहलाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक तरफ खुलता है, जैसे कि घर के दरवाजे एक ही तरफ खुलते हैं, अगर उसमें कब्जा लगा है तो सिर्फ आप एक ही तरफ खोल सकते हैं। तो ऐसे क्या है, ये क्या करेगा, ये एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है, इसलिए यहाँ पर हिज्ड कर दिया। और इसका जो दूसरा सिरा होगा उसको क्या कहते हैं, जो माइक्रोमीटर है, जो माइक्रोमीटर है ये वाला, इसके बैरल से, जो बैरल है वहाँ पर इसको अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। माइक्रोमीटर का स्पिंडल आधार के हिंज से, माइक्रोमीटर का जो इस ये है, इसका जो आधार है, या गया आधार, आधार से हिंज की दूरी, मतलब क्या होगा कि यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो हो जाती है हमारी कैपिटल एल। कहां से कहां तक? इस हिंज्ड और माइक्रोमीटर का जो बेस है,
इसके जो बीच की दूरी है वो एल होती है, ठीक है। एल का मान सामान्यतया 200 mm रखा जाता है, 200 mm, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, mm में ही तो चीज़ों को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी आपकी 200 mm रखी जाती है। क्लिनोमीटर काफ़ी संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ये मतलब थोड़ा सा ही भी इसमें कोई इफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका प्रभाव दिख जाएगा। अतः क्लिनोमीटर को किसी नत सतह पर रखा जाता है, मतलब आपने क्या किया, किसी नत सतह पर आपने इसको रखा। क्लिनोमीटर को माइक्रोमीटर की सहायता से स्पिरिट लेवल को, जो स्पिरिट लेवल है इसको क्या करते हैं, इसको समतल रखते हैं। कैसे, इसको सीधा रखते हैं। मान ली कि ये यदि ये सतह है जो इसका जो आधार है, यदि टेढ़ी जगह या तिरछी जगह पर रखा है तो क्या करेंगे, इसको तो क्या करेंगे, जीरो पर सेट कर लेंगे। जीरो पर सेट करने का मतलब जो इसका जो बबल है वो बीच में ही रखेंगे, ठीक है। यदि सतह क्या होती सीधी है तो जीरो पे आएगा। यदि सतह को हमने किसी तिरछी सतह पर रख दिया तो ये आधार तो क्या होगा, तिरछा हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, जीरो पे ही सेट करेंगे। जीरो पर सेट करने का मतलब इसको जो बबल है इसको बीच में ही रखेंगे। माइक्रोमीटर की रीडिंग को, जो माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है, या यह है जो माइक्रोमीटर की रीडिंग, इस रीडिंग को माइक्रोमीटर की रीडिंग को एल से भाग देने पर क्या करेंगे, इसकी जो रीडिंग आएगी उसमें क्या करेंगे, एल का भाग देंगे। एल क्या है हमारी, 200 mm, तो यहां पर जो रीडिंग आएगी उसको दो जो 200 mm है उससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, और भाग देने पर हमें क्या होगा, कोण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी जो रीडिंग आएगी कोई भी, मान ली कि ये रीडिंग आपकी यहाँ पर कुछ भी आ गई, मान ली यहाँ पर रीडिंग आपकी 20 है या 30 है, जो भी है उसमें क्या करेंगे, 20 mm, जब आपका 200 mm का यहाँ पर भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमें क्या होगा, एंगल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा, रेडियन में होगा। तो रेडियन समझ गए, एंगल को नापने के लिए या तो हम कोण में मापते हैं या फिर रेडियन में ज्ञात करते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसी मान को यदि हम क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाय पाई, 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री से गुणा कर दें, ठीक है। गुणा करने पे क्या होगा, ये आ जाएगा आपका डिग्री में, ठीक है। तो क्या है, क्लिनोमीटर की सहायता से एंगल मेजर किया जाता है और इसको क्या करते हैं, डिग्री में भी एंगल फाइंड कर सकते हैं और रेडियन में एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्लिनोमीटर कैसे कार्य करता है। एक बार और रिपीट करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या है, माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें माइक्रोमीटर भी अटैच है, ठीक है। इसके पहले जो हम लोगों ने क्लिनोमीटर पढ़ा था वो था आपका बर्नियर क्लिनोमीटर, इसके पहले और हम लोगों ने पढ़ा था स्पिरिट लेवल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर, मतलब इस क्लिनोमीटर में माइक्रोमीटर को अटैच कर दिया, जहां पर स्पिरिट लेवल की जो ये रॉड है इसका एक सिरा हिंज्ड होता है, मतलब यहां पर कब्जा लगा होता है, इसको आप ऐसे या ऐसे इस डायरेक्शन में, जैसे कब्जा नहीं खोलते हैं वैसे ही आप इसको खोल और बंद कर सकते हैं, जहां पर इसका जो दूसरा सिरा है वो क्या होगा, माइक्रोमीटर के बैरल के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच की जो दूरी रहती है वो रहती है कैपिटल एल, ठीक है। तो इस एल का मान जो रखा जाता है वो रखा जाता है 200 मिलीमीटर, ठीक है। तो
तो क्या करते हैं, इसके द्वारा एंगल को मेजर करते हैं। तो जब भी हम इस सतह को किसी तिरछी सतह पर रखें, मतलब क्या करेंगे, इसका जो आधार है, इस आधार को यदि हमने किसी तिरछी जगह पर रख दिया, तो क्या होगा, उस तिरछी जगह का जो एंगल ज्ञात करना होगा, तो वो क्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये आधार तो आपने तिरछी जगह पर रख दिया, लेकिन ये क्या होगा, ये भी तिरछा हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको कर देते हैं सीधा, मतलब इसको करेंगे जीरो पर सेट, या जो बबल होगा वो मिड में रहेगा। तो इस पार्ट को कर देते हैं हॉरिजेंटल पोजिशन में, ये पार्ट तो हो गया इनक्लाइंड पोजिशन, लेकिन इसकी जो पोजिशन रहती है वो रहती है हॉरिजेंटल। ठीक है, जब हम इसे हॉरिजेंटल पोजिशन पर रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस माइक्रोमीटर का माप को दर्शाता है, जो माइक्रोमीटर की माप को दर्शाता है। तो मान लीजिए यहां पर 20 माइक्रोमीटर की माप आई, तो इसको क्या करेंगे, इस 20 में इसकी जो लंबाई L है, L से यहां पर इसको भाग दे देंगे, तो यहां पर हमें रेडियन में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, रेडियन क्या होता है, एंगल को नापने की इकाई। अब क्या करते हैं, इस रेडियन को कन्वर्ट करना हमें डिग्री में, ठीक है, कोण में ज्ञात करना है, तो इस रेडियन को क्या करेंगे, इस रेडियन से क्या करेंगे, जो भी हमारा ये आया है ये पार्ट, इसके साथ हमने क्या किया, गुणा किया 180 अपॉन पाई, तो ये हमारा यहां पर निकल के आ जाएगा डिग्री। ठीक है, डिग्री या कोण में। तो आप समझ गए होंगे आसान और सरल भाषा में कि क्लिनोमीटर में कैसे हम रेडियन में और डिग्री में कोण का मापन करते हैं। निम्न विभिन्न प्रकार के क्लिनोमीटर होते हैं, जैसे कि डायल क्लिनोमीटर, पेंडुलम क्लिनोमीटर और ऑप्टिकल क्लिनोमीटर। ये डिफरेंट टाइप के जो क्लिनोमीटर हैं, ये इनका इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आसान और सरल भाषा में क्लिनोमीटर समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप जब लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे कमेंट करते हैं, कोई भी आप सेंटेंस लिखते हैं कि बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा लगा आपको, नाइस, तो ये एक क्या होते हैं, ये जो सेंटेंस हैं या जो शब्द हैं, ये काफ़ी उत्साहवर्धक होते हैं, जिससे हमें जो हमारा जो मनोबल होता है वो काफ़ी बढ़ता है। तो आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे, आपके जो दोस्त होंगे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, फ्रेंड के साथ, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और मज़ेदार होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।